पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामी मेरी देवी हो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, ये बनता दे हमारी साधना को दृढ़ करने के लिए, हमारे वैराग को भड़काने के लिए भगवान जी चला लेते हैं। अब ये नया विषय चल पड़ा साधना की कहानी, क्षमा श्रद्धा की कहानी। श्रद्धा के प्रताप से ही जीव सदा अंतर्मुखी रहता है। श्रद्धा के प्रताप से ही हम अपनी साधना में उत्साह देखते हैं। श्रद्धा के कारण से ही हमारे में एक विशेष प्रकार की रौनक रहती है। श्रद्धा के कारण से हमारे चिंतन भगवत चिंतन हो जाता है। श्रद्धा में बड़ी ताकत है, क्योंकि मन को सबसे बड़ा गुण जो श्रद्धा का है, मन को अंतर्मुखी कर देता है। समय थोड़ा होता है, गर्मी अपने जोबन पर पहुंच चुकी है, आओ हम अपने प्रसंग को ले ले। श्रद्धा विश्वास से शुरू होती, जैसे कल हमने जाना, विश्वास जिसको अभी आंखों से नहीं देखा, वरना विश्वास का मतलब ही कुछ नहीं। जो आंखों से देख ले विश्वास उड़ गया। जब तक इंसान आंखों से नहीं देखता, तब तक किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। पर मैं तो कहता हूं हमने गीता पर विश्वास करना है, जो भगवान जी ने कहा है। वो सब आंखों देखा हाल है, वो काल्पनिक नहीं है, क्या सहराइया नहीं है, बल्कि दैट इज द रियल फैक्ट। गुड, मैं कह रहा हूं जो भगवान जी कह रहे हैं, जो महाराज जी ने श्री गीता जी में कहा है, वही वास्तविकता है। अभी मैं कह रहा हूं जरूर विश्वास कर लो, बाद में आपका अपना अनुभव खुल जाएगा, खुद ही आपका अनुभव खुलेगा। अच्छा, पहले हमें जरूर विश्वास करना पड़ता है किसी, किस पर विश्वास, पात्र पर, जो विश्वसनीय है। हमारे जैसे विश्वसनीय माने जाते हैं जो सारा जीवन ही महाराज जी के प्रेम और गीता में लगा बैठे गए। फिर गीता जी आपके पास है, हमारे जैसे तो चंद दिन नजर रहती है चले जाती है, गीता तो आपके पास है। जो मेरे भगवान खुद ये श्लोक बड़े मार के गजे, 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक, फकत शास्त्र को बना, तू अपने शास्त्र को ही अपना गुरु बना ले। तो शास्त्र क्या कहेगा, करना है क्या, और बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाब, अमल शास्त्र पर किए जा। बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने, इट इज क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, कृष्ण को अपनी भाषा में बोलेंगे बेटी बिल्लौर, बड़ी चमक दमक होती है उसकी बिल्लौर की, अगर कभी देखा हो आपने या देखने की चेष्टा करे, ये चीज कितनी क्लियर है जितना बिल्लौर। अच्छा, बिल्कुल स्पष्ट, जो महाराज जी ने गीता जी में कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा विश्वास। मैं और नहीं कहूंगा कहीं विश्वास करो ना, और कोई विश्वास के काबिल ही नहीं, क्यों, बदलते जा रही है, जो चीज बदलती जा रही है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खासकर हम जैसों को जिन्होंने लोक भी बनाना है और परलोक भी बनाना है, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, सिवाय महाराज जी के। इन शब्दों को मैं भी चूमू, आप भी चूम लो, इन शब्दों को लिख के सिर झुका के चूम ले, सहारा किसी का न ले। मेरी और आपकी साधना की भगवान का ये फरमान जान है, प्राण है, कि हमने संसार में रहकर सहारा भगवान का लेना। इससे बढ़ के क्लियर भी क्या करें हमारे प्रभु जी, बेटी बहुत बड़ा ऐसा, तेरे मन है नरम, तन भी नरम है मन में, अब क्या बोलो, अब दोनों रूप से सख्त होना पड़ेगा। साधना होती उन्हीं से है जो सख्त तन है, सख्त मन है। और तो और, हमारा वेद भगवान शुरू भी यहीं से होता है, ऋग्वेद,
शुरुआत कहां से, नायाब आत्मा बालहीन लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति बुझ दिलों से नहीं हो सकेगी। आगे शुरू होती है विचारें, मंत्र, पहली साइन बोर्ड ये लगा दिया। साइन बोर्ड को अपनी भाषा में बोलती है सूचना पट, सूचना पट। पहली पट मैंने वस्त्र भी टिक कपड़ा और सूचना में जो सूचना दे, पहली सूचना पट क्या लगा दिया, नायम आत्मा ये परमात्मा बाली ही नेन, जिनमें बल नहीं है लभ्या लभ्य लभ सकेगा, जिनमें बल नहीं, जो हिजड़े गए, जो डरपोक है, निर्बल गए, दुर्बल है, उनसे परमात्मा ने प्राप्त होगा। परमात्मा तो मजबूत दिल वालों से होता है, बुद्ध की भगवान आपके पीठ ठोक रहे गए, अगर दिल है मजबूत चिंता, मैंने करना ही यही है, कब मन मजबूत होता है इसके बिना जा रही नहीं। और मैं ये रास की बात व्यास जी की बताऊं, मेरे साथ श्यामल देवी आप तुम भूल जाओ घर बार को, चाहे आपके श्रीमान जी बड़े मीठे हैं पर रब से मीठा कोई भी नहीं, बस बिल्कुल ही अपना मन अपने भगवान में रखो बिल्कुल भी, अच्छा तब बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। विश्वास कब बढ़ता है, इनके बिना चारे ही नहीं। देखिए विश्वास कैसे बढ़ जवान हो जाएगा, भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा ही नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, मेरा लोक परलोक बन ही नहीं सकता, मैं तो कल्याण कामी हूँ, मनो तो कल्याण कामी है ना, हाँ सिर्फ खाने पीने और बच्चे बनाने में, मुर्गी खाना खोलने में मैं नहीं कामयाब होता ना, मैंने कुछ और करना है, फिर भगवान के को अपनाए बिना चारा ही नहीं, लो विश्वास जवान हो जाएगा। मेरी माताओं मेरी कल्याण कामी देवी, विश्वास फौरन जवान, बालक से किशोर और किशोर से युवक, ऐसी अवस्थाएं होती है, पहले शिशु, शिशु के बाद बालिक, बालिक के बाद किशोर, 19 साल तक किशोर, उसके बाद फिर युवक, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मरण उन्मुख अवस्था, मरने की ओर चल पड़ा, ये अवस्थाएं मानी गई है। तो बड़ी जल्दी ये हमारा जो विश्वास जवान हो जाता, कब, भगवान की बिना चारे कोई, जैसे हमने देखा पढ़ाई के बिना चारे नहीं, माँ बाप ने हमारी बुद्धि में ये क्या शब्द कहूं, एक बात बिठा डाली कि पढ़ाई के बिना चारे ही नहीं, दिन रात लगे रहे, दिन रात कभी मारे खाती स्कूल से, हमारे वक्त बेटियों मुझे कोई शर्म नहीं कहने में, बड़ी मार पड़ती थी, मैंने बड़ी मार खाई, छोटी सी कोई बात ना आए तो बस मार, जैसे हम लोग इंसान नहीं है पशु है, और जहां लगती है लगने दे, कहती भी रहते मारते यहां ना मारो, पीछे मार लो, मेरे नीचे मार लो, चक्की पे मार लो, यहां मारते यहां मारते, जो नरम नरम आंग हो वही मारते। उन दिनों मास्टर बड़े सख्त होते थे, बड़ी बुरी तरह मारते, बात क्या है छोटे से मैंने स्पेलिंग नहीं आया, ये की बात बनी, बहुत ज्यादा मारना भी अच्छा नहीं होता, और सच्चाई की बात बता रहा हूं, एक बार तो मार के उसकी हड्डी तोड़ दी, तब से स्कूल में हाहाकार मच गई, तब मैंने देखा ये दर्द भरा नजारा, सारे बच्चे बाहर निकल आए, जब वो हड्डी लेके टूटी हड्डी चिल्लाया हर सेक्शन के सामने, सारे लड़के बाहर हैं, हमारे विद्यार्थी की हड्डी तोड़ दी मास्टर जी ने, ये पहली बार मैंने जीवन में देखा, गवर्नमेंट हाई स्कूल ललितपुर, उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट निकाली अपनी कि देखो मेरी हड्डी तोड़ दी, देखो मेरा हाथ यूं हो गया हड्डी बाहर निकल आई, बड़ा जुल्म की बात है। फिर हम सारे बच्चे उस लड़के को आगे करके थाने गए, थानेदार को इतना क्रोध, उसके भी तो बच्चे पढ़ते थे, बड़ा क्रोध है, आप से बाहर हो गया, जिस भी ड्रेस में था धोती पहन रखी थी उसने, चल पड़ा साथ पुलिस मैन दे दिए, आगे हेडमास्टर और बाकी मास्टर माफी मांग रहे थे, आप इतनी बेइज्जती ना करने आओ, आप बाहर रह जाओ, चुप करके अपना समूह लेके चला जाओ, बच्ची बड़ी मार पड़ती थी। तो लेकिन हमारे मन में ये था पढ़ाई की मैंने चारा तो है नहीं, यही बात मैं अब कहूंगा, इसी जन्म में यदि कल्याण कर जाना है और मेरे रहते हुए अगर आपने ठोस कल्याण करना है, ये बात गहरी ले चलो, इसकी बिना चारे कोई नहीं, क्या भगवान को अपनाए बिना, ये शब्द न कहो पहले, भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारे नहीं, भगवान का ज्ञान और भगवान दो नहीं एक है, किसी को इतराज हो मेरे से पूछो, भगवान का ज्ञान और भगवान, नॉट टू बट वन, आपका ज्ञान जानकारी और आप दो थोड़ी हो, आप एक ही तो हैं, इस तरह मेरी देवी हो, भगवान का ज्ञान और आप एक ही है, इसलिए हम ये विश्वास कर ले पूरा पूरा भगवान के ज्ञान की बिना चारा नहीं। यदि मैं पूर्ण रूपेण कल्याण करना चाहता हूं,
और कल्याण की शीख चिली की तरह मैल खड़े नहीं करना चाहता। अगर मैं हवाई मैल नहीं खड़ा करना चाहता और ठोस रूप में कुछ करना चाहती है चाहता हूँ तो मुझे वाणी अपना लेनी हो। जरा भी इतना भी मौका मन को न दो, नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, बेड़ा गर्क होगा तेरा। तेरे भगवान ही कह रहे हैं ये दुनिया है उसकी नागला जहां, ऐसे ऐसे श्लोक सामने रखो। वैसे और गरबा गरब भगवान ने लानत मारी, क्या इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के लिए काइश का बंदा गुनागार हयात उसकी दुनिया में बेका, कह दिया भगवान ने कि तबाह हो जाएगा। और उधर चलिए और गर्मा गर्म गीता सुनाने लगे, फिर भी क्रोध करने लगे। गीता पूरी कर दी, पूरी करने के बाद भी अलिंगन भी किया, प्यार भी किया, तेरे न गमगी हो मसरूर, फिर क्रोध किया, सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा पिंदास। तबाही फिर कह दी कौन, जो भगवान के अनुसार जीवन वाकई ठीक है। हम अपने नजदीकियों को देखो, जो भगवान के अनुसार नहीं जिंदगी कट गए तबाह हो गए। किसी को भी देख ले, चाहे कोई भी आपका नजदीकी रिश्ता माँ बाप ही है, चाहे और आपके जो महाराज जी के अनुसार नहीं गए तबाह, बुद्धि से तबाह, मन से तबाह, तन से तबाह, सेहत से तबाह है, सब तबाही। क्योंकि भगवान के अनुसार जुटने से ही बुद्धि क्या होती, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ में कुर्बानों में कुर्बान, ये तीनों शुभ हो गए, आपका भविष्य वेरी वेरी शुभ। एक एक बात सुन मेरे भगवान की, एक एक बात सुन ले मेरी देवी मेरे प्रभु जी की, तीनों शुभ होने चाहिए, बुद्धि मन और तन, मतलब बुद्धि का इरादा, मन के विचार और तन के कर्म, ये तीनों शुभ हो जाए बेड़ा पार हो गया। जरा सयाने बन जाओ, आओ आप सबके सब सयाने बनो बेटे, वरना कल्याण नहीं, जो कल्याण लेके आप कल्याण की भावना लेके आती है नहीं कल्याण हो सकता। अगर आपके मन में ये कसर है, अभी मेरे बैठे मेरे भगवान की कसम पक्का कर लो, भगवान की वाणी को अपनाए बिना मेरा चारा किसी का चारा होता जो मर्जी करता रहे, पर चूंकि मैं कल्याण चाहता हूं और चाहती हूं, इसलिए भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा नहीं, चारा नहीं, चारा नहीं, नो अल्टरनेटिव है, आर्टिस्ट को अपनी भाषा बोलती है, और कोई विकल्प नहीं, आटे होते बदल और कोई बदल नहीं। घर में आटा खत्म है तो बदल जो है क्या, चावल बना लो, चावल में डालू आलू डाल दो उसके अंदर, हाँ, या आपके मूंग की दाल पड़ी है, चावल और मूंग की दाल रात को एक दिन का एक वक्त का गुजार हो जाएगा, इसके बोलते आटा नहीं तो बदल तो है ना, ऑल्टरनेटिव विकल्प तो है ना। लेकिन भगवान की वाणी को छोड़े भी ना, छोड़ दू कोई विकल्प नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, आटा नहीं तो चावल सही, एक समय तो निकल जाएगा, लेकिन वाणी नहीं तो फिर मेरी तबाही तबाही, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। बिठा लो ना, ऐसे गुरुदेव जी ने हमारे मन में बड़ी गहरी बात उतार दी, आप भी उतार लो, कल्याण के लिए कुर्बानियां करके आते हो, कितनी लू चल रही है, इस साल तो मैं हार गया हूं, घबराहट से अंदर इतनी गर्माहट पैदा होती जा रही है, फिर हट करके आ जाता हूं कि आपका जाया ना वक्त, आपका समय ना जाया जाओ, इतनी उत्साह से आती है, इतनी बात तो बिठाते जाओ, इतनी बात तो अपने मन में रख लो, क्या महाराज जी की वाणी को अपनाए बिना चारा कल्याण हो ही नहीं सकता। इस श्लोक को मेरी कसम दिन में दो बार तो पढ़ लिया करो, जो है मेरी तालीम पर अर्जुन जो मेरी शिक्षा को अपनाए जा रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ सामने रख लो, जो है मेरी तालीम, जो मेरी शिक्षा को अपनाए जा रहे हैं, वो कौन कहोगे, करे नुक्ता चीनी को वो ना पसंद, किसी की नुक्ता चीनी नहीं पसंद करेंगे, कोई कटाक्ष करे गीता पर भगवान पर आपसे सहन नहीं होना चाहिए। बेटे कोई कटाक्ष करता है, कोई आलोचना करता है, कोई क्रिटिक बनता है ना, चाहे सगे पति भी हो, मैं माफी मांगूंगी आपसे, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आप कटाक्ष मत करो मेरे भगवान पर, मेरी वाणी पर, आप नहीं अपनाते ना अपनाओ, लेकिन ये आपको हक नहीं, आप मेरी श्रद्धा को कम करें, चुप करा दो, चाहे रो पड़ो, चाहे चरणों में गिरना पड़े गिर जाओ। पिताजी भी कभी कभी चुके वो भगवान के प्यारे नहीं, ऊट पटांग बोल देते हैं, चरणों में गिर जाओ, रो पड़ो, फर्ज तो आपका था पिताजी, जो वहां सिर मुड़ा के एक दादा है हमारा, जो हमें फर्ज पूरा करवा रहे, फर्ज तो आपका था कि आप हमें बताते समझाते, फिर आपने बताया भी नहीं, उल्टा मेरे मेरी श्रद्धा को तोड़ रही है। पिताजी फिर कभी नहीं टोकेंगे, अगर माँ भी कुछ कहती है तू भी तरीके से माँ का मुंह बंद कर दो, माँ आपने जन्म दिया था, जहां आपने मेरे सथूर शरीर को दूध पिलाया था, वह अंदर वाले को भी समझाती तू, अंदर भी एक मन होता है, माँ तेरा फर्ज वो एक बाबा पूरा कर रहा है, जो तूने करना था
वो एक जंगल में बैठा हुआ रब का प्यारा पूरा कर रहा। मां तू मेरी श्रद्धा न तोड़, ध्यान से जो भी कटाक्ष करे नहीं करे नुक्ता चीनी को, जो जो नुक्ता चीनी को पसंद नहीं करते, कोई भी जो भगवान और भगवान के फरमान के खिलाफ बोलता हो या आलोचना को, फौरन मुंह बंद करा दो। आपको कितना, उनको तो पता ही नहीं, वो तो बेचारे दयनीय है, उनको समझ ही नहीं है जो महाराज जी की वाणी पर कटाक्ष करती है, इतनी छोटी की वाणी पर। तो जिसको नुक्ता चीनी नहीं अच्छी लगती, हाँ अकीदत से पाबंदे अरशाद है, आगे कह रही है बड़ी श्रद्धा से भगवान की वाणी को अपनाई जा रहा है। अकीदत से यानी श्रद्धा से पाबंद है, अर्थात जुट गया, लग गया है अरशाद में, जो भगवान ने श्रीमुख से कहा है, जो महाराज जी ने श्रीमुख से कहा है उसके अनुसार अपने को जुट गया, लग गया, उसका फल क्या पाएगा, कर्मों के बंधन से इसके दो बार दिन में पढ़ लिया कर। जो है मेरी तालीम पर समझ के कारबंद, करेन तचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से बिल्कुल आजाद हो गए। क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही मन ढलता है, जैसे सांचे में अगर पिघला लोहा या सोना पिघला हुआ डाला जाए तो वैसे ही सोना बन जाएगा, हाँ सांचा हो ना उसमें जैसे भी पिघला के डालेंगे सोना वैसे रूप ले। तो हमारा सांचा क्या है, हम जैसी आपकी श्रद्धा है हाँ उसी तरह आप ढल जाएंगे। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है बेटे, हम कैसी ढल रही हैं, जैसे भगवान जी हमें ढलवाई जा रही हैं श्रद्धा में, बड़ी ताकत है। हम तो समझते हैं ना मैं ये हूं जो मेरा शॉर्ट स्नैप है चेहरा है, हम ये नहीं है, अब हमने जान लिया हम वो गए जो हमारे अंदर बीत रही है, जो हमारे अंदर विचार है, जो हमारे अंदर श्रद्धा गए, ये हम है। अब पता लग गया, अब समझ आ गई, अब ये मन में पक्का करो, दया करो अपने पर, ऐ दयानाथ अपने पर दया करो, ऐ कृपानाथ ऐ कृपा देवी अपने पर दया करो, जरूर दया करो कि भगवान की वाणी के बिना मेरा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। किसी का कल्याण रामायण से होता हो तो हमें मिर्ची नहीं पड़ती, किसी का भागवत पुराण से हो रहा है हमें बड़ी खुशी होती है, पर जहां तक हमारे मन का कि सतर्क का ताल्लुक है, गीता के बिना क्या हमारा कल्याण। जैसे भगवान ने हमारे मन का स्तर या मन का स्टैंडर्ड बना दिया है, अभी आप कह रही थी मैं गई थी वहां पर सत्संग सुनने दिल नहीं लगा, वो बातें और प्रकार की हैं, कहानियों द्वारा ना बात बना रहे थे उसको मजा नहीं आया। ये ठोस, ये फिलॉसफी, ये ब्रह्म विद्या दिल लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपके मन का स्तर ही कुछ और हो चुका है। कहीं भी किसी सत्संग में जरा आधा घंटा बैठ के आओ, शायद आधा घंटा नहीं बैठ सकोगे। भगवान जी की बातें और प्रकार की है, इतनी दलीलों के साथ, इतनी ज्ञान और भक्ति पूर्ण बातें, गुड, ये मन में बिठा लो। जहां तक मेरे मन का स्तर है, गीता के बिना चारा नहीं, गीता के बिना गुजारा नहीं, मतलब विश्वास दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ा है, मुझे मेरे मालिक ने काफी अनुभव करवा दिया, विश्वास कर लो, और उधर भगवान का फरमान है विश्वास कर लो, कोई ऐरा गहरा तो है नहीं, तो गीता में तो भगवानों वाच होता है। हाँ अगर कहीं संजीववाद भी हुआ है, धृतराष्ट्रवाद भी हुआ है, तो भगवान वाच होने के लिए हुआ, कहीं और वाच है तो किस लिए, ताकि भगवान जी गुलफिशा हो जाए, ताकि भगवान जी अपना ज्ञान देना शुरू कर दे, तो भगवान वाच है, वो तो नारायण वाच है। आहा, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बिगड़ी गीता के ज्ञान से बन जाए। एक एक मैया, एक एक मेरी बेटी सुन दे, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरा कल्याणकामी मेरे जवान सुन दे, हमारा कल्याण भगवान की वाणी से जरूर हो जाएगा। ये बात गहरी ले चलो, जैसे हम कहा करते थे कि माँ बाप के कहने पर पढ़ाई से हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, भले ही ये भ्रांति थी, लेकिन जैसे माँ बाप ने रिटाया, दिन रात एक कर दिया पढ़ाई के अंदर। मेरी बेटियों ने भी आज के लड़कियां पढ़ी होनी चाहिए, अच्छा घर बार नहीं मिलता जी, पहले ये पूछती है कितनी पढ़ी हुई है जी, कमाती है कहीं, पहले ही उनकी इंक्वायरी होती है यही, तो कितना पढ़ रही हो, फेल हो के पढ़ रही हो, कितनी वैल्यू आपने एजुकेशन की बढ़ा डाली। इस तरह हम भी वैल्यू बढ़ा दें बिना भगवान के ज्ञान के कल्याण, हमने देख लिया सजनों। मैं क्या बोलूं, कईयों का मन दुखेगा, गीता और भागवत पुराण अगर कोई भी पक्षपात रह जा बैठ जाए, मैं कहता हूं ब्रह्मा जी भी उतर आए, रामायण और भागवत पुराण ये दो, और इधर गीता बहुत आगे निकल गई है,
मुझे महापाप लगे अगर मैं जरा भी कोई बढ़ा के बात कहूं तो। और बोलो मैं कैसे समझाऊं। अगर हम तीनों मुकाबला करें, गीता बहुत आगे निकल गई। यही दोनों तीनों शास्त्र हमारे हिंदुओं में बड़े प्रसिद्ध और बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन रामायण और भागवत पुराण में तीनों देखे बैठा हूं, तीनों पर कलम चलाइए है, शाबाश। और आप देख के हैरान होगे, देख भी रहे हो। हाँ, बहुत बड़ा भारी अंतर है। बड़ी जल्दी जीव लंबिया छलांगा भर जाता है, लॉन्ग जंप कर जाता है जब गीता को समझ के अपनाने जाता है। रामायण अभी पीछे है। मुझे यूं नजर आता है रामायण और भागवत पुराण, देखो मैं आपको कह रहा हूं मन में मानना, नहीं तो खड़े हो जाओ अभिषेक, आपको पूरा हक है, आप मेरे बच्ची हैं। गीता के ज्ञान के सामने रामायण और भागवत पुराण एक बेबी लगती है और गीता मां नजर आती है। बेबी की तरह रिंग रिंग के गीता की ओर जा रही है। जैसे गीता और रामायण यहां हो और बेबी बन जाए और ज्ञान गीता जी वही खड़ी हो, तो रिंग रिंग के जा रहे मां की ओर। इससे बढ़कर तो मैं कुछ समझा नहीं सकूंगा, कितना अंतर है। हमने देख लिया, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों में गुसाई हूं, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं। हमने तीनों का मुकाबला किया, कहां गीता, कहां रामायण और भागवत। जैसे कहावत हमारे देश में प्रसिद्ध है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। बड़ा अंतर है। अगर कोई ऐसा नहीं मानता उसकी भूल है, क्या उसने अपनाया ही नहीं गीता को, उसकी समझ ही नहीं है। गीता मां है, रामायण और भागवत पुराण इसके दो बच्चे हैं, बिल्कुल बेबी हैं, दूध पीने वाले बच्चे। रामायण को भी बड़ी जरूरत है गीता की, भागवत पुराण को बड़ी जरूरत है गीता के ज्ञान की। ये है परफेक्ट नॉलेज। गदगद हो जाओ इस जन्म में भगवान जी ने मुझे आपको बताओ को बेटियों को गीता का पुजारी बना दिया। केवल पुजारी नहीं बल्कि हम अनुयायी बन गए, अनुयायी उसके पीछे पीछे चलने वाले, अर्थात उसकी शिक्षा को अपनाने वाले फॉलोअर्स। ऐसा विश्वास मन में रख लो, मेरी तरह ये मान लो, नहीं तो खड़े हो जाओ। गीता मां है, रामायण और भागवत पुराण और बाकी शास्त्र एक रींगने वाले दूध पीने वाले शिशु हो। एक एक बोल, एक एक बोल के मुकाबले में कहीं रामायण में बोल ही ऐसा नहीं मिलता बेटे, कहीं ऐसा बोल नहीं मिलता। अब मैं एक छोटा सा बोल बोलता हूं, जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई, इनसे मुकाबले का कोई छुपाई नहीं मिलती, इसके मुकाबले कोई दुआ नहीं मिलता। उधर मैं भागवत पुराण में चक्कर काट के देख रहा हूं, इसके मुकाबले में कोई चीज ही नहीं मिलती है। वैराग और मश्क में कमाल, बिल्कुल यही शब्द भागवत पुराण में नकल मार ली, ये कोई बात बनी, बिल्कुल यही शब्द रामायण वाले गोसाई जी ने यही नकल मारी। अच्छा, जब राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को एकांत में बैठे हुए, बिल्कुल यही शपा। इसी को इर्द गिर्द जाए कैसे। गीता मां है, बाकी शास्त्र सब दूध पीने वाले गीता के सामने बच्चे हैं। इसमें ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आप गीता से हट के इधर उधर ना जाओ, आपको जरूरत ही कोई नहीं। इसलिए व्यास जी ने क्या कहा, गीता सो गीता कर्तव्य, ये गीता को भली प्रकार अपना ले, किम अन्य शास्त्र विस्तरी, दूसरे शास्त्रों में सिर्फ 25 क्यों करता। वो देखिए आपके सामने गीता भवन के गेट पर हमने मोटे अक्षरों में क्या अंकित करवा दिया, गीता सो गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरी, दूसरे शास्त्रों में समय थोड़ा क्यों मगर 25 मारता है, क्योंकि गीता में सब कुछ आ चुका, सब कुछ आ चुका। थोड़ी सी जिंदगी आपकी है बच्चे, और शास्त्रों में 25 न मारो, इसी से ही हम सबका कल्याण हो जाएगा, इसी से ही। हाँ, ऐसे मैंने बिठा लो क्या भगवान के ज्ञान के बिना चारण, ऐसा पूरा विश्वास कर लो, बड़ी जल्दी आपके पर्दे खुले ले जाए, क्यों मन अंतर्मुखी हो जाएगा। इनके बिना चारा ही नहीं, हाँ, इनके बिना गुजारा ही नहीं, हाँ। बस मां ने तीन बार आई बैठी है, टेलीफोन किया, बेटी हाँ छुट्टियां तू आ जा। अच्छा, जवाब देती है, मां मैं नहीं आ सकती, सास मार गई हुई है और ननद भी कहीं और है, तो पीछे घर का क्या बनेगा, पुत्र छुट्टियां तो यही है, पर मैं मां जिंदगी काटती है जिसके साथ तूने शादी की है, मैं तेरा कहना भी मोड़ नहीं सकती, पर मैं आऊं कैसे, यहां के हालात ही ऐसे हैं।
कहती मैंने तीन बार किया तीनों बेटी का, माँ मैंने इन्हीं के साथ जिंदगी काटती है ना, बता ना मैं क्या करूं। अच्छा पुत्र तेरी मर्जी, मन में क्या है, इन्हीं के साथ जिंदगी काटती है। हाँ तो सगी माँ अपना खून फून कर रहा है, पुत्र आ जाए छुट्टियां है, मम्मी नहीं आ सकती, यहाँ के हालात ऐसे है। इस तरह मन में समा जाए गीता के बिना मेरा कोई चारा नहीं, मैं गीता को नहीं छोड़ सकता। वैसे कहते मैंने जिंदगी इसी पुरुष के साथ काटनी है, हमने अपना सारा जीवन गीता जी के साथ काटना, सारा जैसे आपके दिमाग में समा जाता है इसी पुरुष के साथ मैंने जीवन काटना है, जैसा भी है मैंने जिंदगी काटनी इसके साथ। इस तरह यही बात हमारे में समा जाए, महाराज जी की वाणी के साथ ही मैंने अपना कल्याण कर लेना, इसी के साथ ही मैंने कल्याण करना है। अब ये भाव कहां मिलेगा आपको, क्या लगाई थी लव जिससे, ये महाराज जी तो बताएंगे ना, क्योंकि ये तो भगवान है, और रामायण लिखी हुई है किसी भगवान के संत की, भागवत पुराण लिखा हुआ है ऋषि का, और गीता लिखी हुई है बताते को नारायण की, तो नारायण जो भी कहेंगे वो सिद्धांत है, वो जो कहेंगे वो वचन है। हाय गाय वो सुनो मेरी भोली भाली बेटियों, सजनों बाकी शास्त्रों में वचन है और इसमें तो सिद्धांत है, क्योंकि भगवान बोल रही है, भगवान जो भी कहती है वो सिद्धांत होती है, और बाकी शास्त्रों में जो भी होता है वो वचन अमृत होता है, वो तो उनके वचन है। वचनों में सिद्धांत पे बढ़ाता, सिद्धांत तो नारायण कह सकती है, हाँ सिद्धांत तो नारायण कह सकती है, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाकी स्टेट गवर्नमेंट बड़ा अंतर है। स्टेट गवर्नमेंट तो जो वो ही बोलेगी जो कि विधान है हमारे भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने नियम बनाया, बाकी सारी जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली है सारी यही बोलेगी, वो जैसे चाहे नए कानून बनाए, पुराने कानून को निकाल दे, नए बना ले, ये हकून का है, किसका, अपनी पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं। हाँ ये लोकसभा का हक है, जैसे मर्जी चाहे। इस तरह जो गीता फरमान है ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी का फरमान है, हाईएस्ट अथॉरिटी, कैसे समझाऊं आपको, और बाकी सारे शास्त्र तो लेजिस्लेटिव असेंबलियां है, ये जैसे मर्जी कहती रहे, लेकिन कहेंगे वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे विधानसभा का, क्षमा विधानसभा नहीं लोकसभा का फरमान है। इसलिए अपने मन में पक्का कलर से हम पक्का किए बैठेंगे, यही भाव अपने मन में छाप लो, गीता को अपनाए बिना तो चारा है ही नहीं ना। आगे भगवान ने लानत मारी है, जिनको मेरी वाणी पे संशय गए, संशय से पहुंची फना की करीम है, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, तजब्जब से पहुंची फना के, जिनके मन में संशय, वो देखो मूल शब्द भगवान के, संशय आत्मा विनश्यति, जिनके मन में भगवान के प्रति भगवान की वाणी पे संशय गए, पता नहीं कल्याण हुआ क्या नहीं, संशय इसी कहती ना, पता नहीं मेरा कल्याण होगा, जिनमें संशय गए विनश्यति, उनका नाश ही नाश है, नाश का मतलब बेचैन रहेंगे, जिंदगी में शांति नहीं ले पाएंगे, अगले जन्म में बेचैन, अगले जन्म में भगवान ने सजा दे दी, क्या वो ऐसे घराने में जाएंगे क्या, या धंधे ही धंधे होंगे और धन की कमी होगी। हाय आहा, ऐसे मेरी तरह अपने मन में आप भी जगह दे लो, फिर क्या होता है, मन पूर्ण रूप से चारों ओर से हट जाता है, जैसे प्रभु मुझे अनुभव करा रहे, बिल्कुल उसी तरह बोलता जा रहा हूं, भगवान मेरे साक्षी हैं, मैं कोई लून मिर्चा मिसाले जैसे वीडियो को भर के पकाते हम ऐसा नहीं कर रहा, भरवी भिंडिया और होती हैं और कट के भिंडिया बनानी वो और होती है, मैं भरवी भिंडियों की तरह नहीं बोल रहा, जैसे मेरा अनुभव है मैं वैसे आपको बोल रहा हूं, आप भी ऐसे ही विश्वास कर लो, बिल्कुल ऐसा मन चारों ओर से हट गया, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा मन इसी से अंतर्मुखी हो जाएगा, बस फिर करना क्या है, ख्याल उसके मन में भी साथ, सब संसार संबंधी संकल्प विकल्प जिससे हमारे मन की शक्ति जा रही थी और भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो रही थी, खत्म, लो तलीन हो जाओ भगवान की जात में, इसको बोलती है अटूट विश्वास, अनशेकेबल बिलीफ, ये हमें तो जरूर होना चाहिए है, उर्दू वाले बोलती है एनुल यकीन, ये शुरुआत होती है यकीन, एनुल यकीन, पहले यकीन से फिर एनुल यकीन, फिर अखीर में होता है हक्कुल यकीन, यकीन एनुल यकीन, उर्दू वालों यकीन एनुल यकीन, अखीर में क्या होता है,
हक्कुल यकीन। वाह, ऐसे अटूट विश्वास पैदा करना। बस बार बार ऐसे प्रसंग भी नहीं भगवान बनाते हमारे कल्याण के लिए, ऐसे कल्याणकारी मीठे और बहुत ही कारगर प्रसंग चल पड़ते हैं। महाराज बस ये अटूट विश्वास, इन्हीं से मेरा कल्याण हो जाए, इन्हीं से ही मेरी बेहतरी हो जाएगी, बस इस तरह में मेरा कल्याण भगवान की वाणी से हो जाएगा। जो मेरे प्रभु कह रहे हैं बस मुझे इसी तरह अपनाते जाना, इस तरह जीवन में ढालते जाना है। ऐसा हो गया, परमात्मा करे हो जाना चाहिए, ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे को स्कूल दाखिला करते हैं, कपड़े अपने आप पहन ले, बोल भी सके, कुछ पूछे तो जवाब भी दे सके, ऐसे नहीं घुघू बन के बैठे रहे, कपड़े भी ना पहन सके। और ये भी नहीं कहा मुझे पेशाब आया, पेशाब अंदर कर ले, सारा कच्चा खराब कर दे, शौच अंदर कर दे और अपने कच्चे को शौचालय बना डाले, निकर को भी ना, थोड़ा बहुत बोले तब स्कूल के काबिल है। इसी तरह कौन काबिल है जिसको भगवान पर विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास। ये तो हमारी पहली प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज प्राथमिक अवस्था, अपनी भाषा बोलते हुए प्राथमिक अवस्था, ये हमारी प्राथमिक अवस्था है। भगवान पर, भगवान के ज्ञान पर अटूट विश्वास, इसी से मेरा कल्याण हो जाना, बस ना मैं अगल देखू ना बगल, ना दाएं ना बाएं। हाँ सुन लीजिए, चाहे दाएं कान से सुन लो, चाहे बाएं कान से सुन लो, महाराज जी की वाणी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसे बोलते हैं अटूट विश्वास। आप कोई टिल भी लगा ले आपके विश्वास को, मैं कमी नहीं ला सकता, आप सुनना भी नहीं, बस बस चुप, आप ये बात किसी और को कहना, मुझे मत कहिए, मेरा बार कभी नहीं मानेगा। भगवान इतने खुश होते हैं जिनकी अटूट श्रद्धा होती है, जिनका अनशेकेबल फेथ है, अविचल विश्वास। व्यास ने शब्द लगाया है अविचल विश्वास, हमें क्या करूं, ये मैं शब्द बोलने के लिए मजबूर हूं, ये शास्त्रीय शब्द है अविचल विश्वास, जो किसी भी सूरत में डुलाया ना जा सके, जो आपको कोई बहका ना सके, अपनी वाणी से, अपनी अवस्था से, भगवान के प्रति श्रद्धा से। ऐसा आप अपने आप को देखो ना, मन आम जो मंदिरों में जाने वाले डुला देती हैं, राम के मंदिर में क्या जरा, कृष्ण के मंदिर में चलना, या शंकर के पास चलना, ऐसे जी धोबी के कुत्ते की तरह कहीं के नहीं रहते, उनकी श्रद्धा कहीं नहीं जमती। इसलिए एक शास्त्र, एक मंत्र, एक इष्टे, इसको पूर्णपेण पक्का कर लो। एक एक शास्त्र गीता जी, मां शास्त्र गीता जी तो मां शास्त्र बोलते हैं, एक इष्टे भगवान जी और एक ही हमारा मंत्र हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का अर्थ क्या, हरेक में तू ही है मेरे मालिक, तू ही तो अनेक बना बैठा है, मैं जान लिया मेरे प्रभु अनेक धोखा है, आप ही आप हो। हरे कृष्ण का अर्थ और कुछ ना लगाना बेटी, हरेक में हरेक जो एक ही अनेक बन गया है, ये हरे कृष्ण, हरेक में वही है। हर का मतलब इन एवरी वन रिजाइडिंग माई लॉर्ड कृष्णा, इन एवरी वन रिजाइडिंग माई लॉर्ड कृष्णा, हर एक में मेरी वही गए, तो क्या होगा, मन कहीं नहीं जाएगा। जब हर एक में वही है तो बात ही खत्म हो गई, हर एक में वही है आएगा, बात ही खत्म हो गई। शाबाश, ये दुनिया उसी तरह जिस तेरी शादी हुई और चार मंजिला बिल्डिंग तेरे पति देव की है, अच्छा हाँ, अब कितने प्यार से दिखा रहे हैं, इस कमरे में ये करते हैं इसमें, फिर गर्मियों में हम यहां रहती हैं, फिर सर्दियों में हम इस्त्री करती हैं, फिर ऐसे चारों मंजिलों में कमरे कितने दिखा रहे हैं, टोटल कमरे कितने हैं श्रीमान जी हमारे, इसमें 65 कमरे हैं, 65, तो इसमें सब काम हो रहे हैं सारों में, मैं ये जो दिखाने जा रहा तुझे, तो ये एक सारी चौथी मंजिल पहुंचा, एक एक दिखा दिया, बाथरूम कितने सुंदर है और साथ साथ कनेक्टेड कितनी अच्छी है और कितनी हवा कितनी है, हाँ सारे दिखाई जा रहे, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और नौकरों के लिए अलग गए, नीचे गराज कितने बनाए हुए गए, शाबाश, ये सारे आप ही के हैं, भगवान की कृपा से पिताजी बना के गए, उन्होंने इसके ऊपर कोई 12 लाख रुपए, 12 लाख उन दिनों की बात है, इन दिनों की मनोरमा बात नहीं, इन दिनों तो ये लाखों का हो गया, अब कितने खुश होती हैं, ये सारे आपके, हाँ ये आप ही है, बड़ी खुशी की बात है, मैं एक अच्छे घराने में आ गई। इसी तरह ये तो हुई ना आपकी ससुराल की बातें, इधर आ जाइए, ये सारा कुछ मेरे भगवान का है, ये सारा कुछ मेरे इष्टदेव जी के, कितनी खुशी होती है और मन अनेक में नहीं जाता। अगर आप ये कहोगे कि सब कुछ उन्हीं ने बनाया, अगर आपने भगवान से अलग रखा इसको, तो किसी से राग और किसी से राग द्वेष जा ही नहीं सकता, अगर आप द्वैत बनाएंगे। इफ यू से देयर इज ड्यूलिज्म
मोनिज्म नहीं देखते तो फिर मन भागेगा, राग द्वेष की बीमारी नहीं जा सकती। जब ये होगा क्या, जो कसरत में वादत का देखी समा, जो पूजे मुझे जो सब में आईया, वो योगी रहेगो किसी ढंग में, मुझे सियो वासल वो हर रंग। भगवान एक से अनेक हो गए। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, सृष्टि को समझना तो यूं समझ लो, दो क्या है, दो कोई अंक नहीं होता है। बड़ा अच्छा समझाया स्वामी जी ने, दो कोई अंक नहीं होता, अंक केवल एक होता है। आए 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 आए, अंक केवल एक होता है देवी, एक। हाँ, एक में एक मिलकर दो हो गए, एक ही अपने में मिल रहा, मिला रहा एक को, एक आप ही है दो, फिर एक 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 मिली जा रहा तीन, एक एक मिली जा रहा चार, पिताजी ही क्या बढ़ाई जा रही है, तीन पुत्र बना लिए, तीन दिए कौन, पिताजी का खून ही ये पुत्रों के रूप में, ये धियों के रूप में, पिताजी का अपना खून, भले ही हमने पुत्र कह रही है बेटियां कह रही है, लेकिन है पिताजी का अपना खून, पिताजी ही ये सारा परिवार किसका, पिताजी का। आज से कुछ समय पहले एक माँ आई थी, उसने अपनी धियां पुत्र फिर किसी मौके पर, वो 56 है बेटे 56, तो आके कह लगी मैं भैरी दा गंध वेखो, मैं भैरी दा गंध, अपने मुंह से कह रही है मैं भैरी दा गंध वेखो मेरी, मैं भैरी दा गंध। देखो माँ तू क्या कह रही है, मैं भैरी दा गंध है, सारा मैंने धियां बनाई पुत्र बनाए, इन्होंने शादियां की, इन्होंने फिर बच्चे बनाए, फिर ये देखो कितना 56 हो पड़े है। बेटी 56, मैं भैरी दा गंध, शाबाश शाबाश, आहा। इसी तरह ये सारा फैलाव किसका गए, जिससे खुदाई हुई, जिस सारे जहां पे गए। अगर ये एकता बनाए रखोगे तब तो आपका मन शांत हो जाए, तब पूर्ण पेड़ मेरे से भी ज्यादा आपका मन अंतर्मुखी हो जाए। अगर जहान को भगवान का रूप समझ जाएंगे कि मेरे महाराज जैसे घर में पिताजी ही एक से अनेक हुए, आपने शादी नहीं की, आप एक से अनेक नहीं हुए, आप एक ही हैं, एक के कम एक, आपने पहाड़े पड़े नहीं कि दो दूनी चार, दो तीये छह, दो चौके आठ, नहीं, आप एक के कम एक, जैसे एक अंक ही आगे बढ़ता जाता है तीन चार, वो एक में एक मिलता जा रहा चार, फिर एक में एक पांच छह सात आठ नौ, फिर नौ कहता आगे दस क्या करना, वो तो आगे जीरो लगानी है, फिर नौ कहता मैं भी काफी हूं, मैं बड़ा ज्ञान दे देता हूं, नौ का अंक ही हमारा गुरु है, जो संसार में भगवान ने किया वो नौ का अंक बता रहा है, नौ को जितने से मर्जी गुना कर लो जरब दे लो नौ का नौ है, है? वाह, कोई कोई अंक भी हमारे गुरु बन जाते हैं। अब नौ को दो, यही भगवान ने किया, एक से अनेक फिर भी वो एक है, नौ को जरब दो, नौ दूनी 18 को जमा करो नौ, नम तीस 27 को जमा करो 2 और 7 नौ, नम चौके 36 जमा करो 3 और 6 और बा नौ, नम 5 45 जमा करो 4 और 5 नौ, नम 6 72 जमा करो, हाय मेरी बच्चा नौ, हाय गए नम 6 54 तो नौ, नम 8 72 फिर जमा करो नौ, फिर नम नम 81 मिली तेरी मासी, 9 81 8 1 9 जितने मर्जी जरबे दिए जाओ, करो आपस में गुना फिर नौ, जैसे नौ का अंक कहता है मुझे जितने से मर्जी गुना कर लो मैं पे भी नौ रहूंगा, इसलिए रब कहती चाहे मैं अनेक रूप बनाए गए फिर सारों में मैं ही तो हूं। ऐसा समझाओ अपने मन को बेटी, ऐसा समझा अपने आप को, जैसे नौ में कितने में जरब दी जाए, कितने गुना किया जाए, नौ का अंक नौ ही रहता, नौ उसमें बदल नहीं आएगी, इसलिए मेरे भगवान ही एक से अनेक हो गए हैं। अब आप क्या होगा मेरी तरह आपका मन बिल्कुल अपने में, किसको चाहूं, किसको देखूं, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, मेरे प्रभु ही तो अनेक हुए बैठे हैं, पर क्या जाता है काफी धंधे आपका खत्म हो जाता है। अगर ये आप पक्का करो, ऐसा विश्वास जरूर कर लेना है, विश्वास मैं श्रद्धा की कहानी सुना रहा हूं, ऐसा विश्वास भगवान की जबान पर जरूर का है ही ठीक, जो हर सिमत पाता है मेरा ही नूर, मुझे जो हर सहज से देखे जरूर, कभी मुझसे मुंह मोड़ कभी मैं उसे छोड़ते। 6ठे अध्याय में आओ ना जरा, कितना प्यार कर रही है मेरे भगवान जी, 4थे 5थे अध्याय में आओ ना, जो हर ओर मुझे ही देख, और बात भी ठीक है, शरीर उन्होंने बनाए 5 तत्व और अपनी सेल आत्मा खुद डाले हुए, बात ही खत्म हुई, ऐसा पूरा विश्वास कर लिया, लो इसी समय बैठे बैठे आपका मन भगवान में रम जाएगा, आपके मन की विक्षेपता बंद। यही एक ही तरीका बताया भगवान ने मन को पकड़ने का, भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छूट, उसी का चिंतन कराओ, अनेक नहीं है एक ही है।
अनेक सिर्फ कहने मात्र में अनेक है, जैसे घर में बहने भाई कहने मात्र में, सामाजिक रूप में पारिवारिक रूप में बहने भाई कहेंगे, और अगर इसे तात्विक रूप में कहे पिताजी पिताजी पिता ही पिता, बेटी दृष्टि है ना, अगर तात्विक दृष्टि से कहे तो घर में पिता ही पिता है, व्यवहारिक और पारिवारिक रूप में कहे तो ये मेरी माँ जी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन छोटी बहन, ये सबसे निचली बहन, ये मेरा सबसे बड़ा भाई, ये मेरा मझला भाई, ये और छोटा भाई, शाबाश 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 शाबाश, ये अग्रज है, ये अनुज है। अच्छा, ये पारिवारिक रूप में, और अगर तात्विक रूप में देखा जाए सब पिताजी पिताजी, पिताजी पहाड़े पड़ते रहेंगे, शाबाश। इस तरह भगवान ने कह दिया, एको अहम बहुसिया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, भाई ये अटूट विश्वास है, अटूट शाबाश। केवल गीता जी में एक जगह भगवान ने कमाल कर दिया, मेरे जैसे की बुद्धि के एक एक नाड़ी को हिला कर रख दिया, इतना कुछ करते हुए इतना बढ़ाते हुए मैं इन सारों के अंदर हूं। फिर एक निराली बात और कही, होता हुआ भी जैसे सूरज सारे पानियों में है, जितना नीचे तालाब है, कुआं है, टब है, बाल्टियां है, जिनमें पानी भरा हुआ है, नाना प्रकार के बर्तन है, उनमें पानी है, मैंने कहा तालाब है उनमें पानी है, मैंने कहा नदी चल रही है उनमें पानी, सब में सूरज है। क्या सचमुच सब में है भी सही नहीं भी, क्यों? सिर्फ छाया पड़ रही है, प्रति छाया है उसकी, उसका प्रतिबिंब है, सूरज बिंब जो उसकी छाया पड़े, उसे क्या बोलती है, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब तो सूरज हो गया और उसका प्रतिबिंब सारा पानी प्रतिबिंब है। इस तरह भगवान ने कहा है, हाँ ना लोगों में हूं ना मुझ में है लोग, जरा देखना ये मेरा, केवल एक बार कहा है ताकि आप मेरी तरह नाड़ियां ना हिला ले। ये और गजब कर दिया, ना लोगों में हूं, हालांकि कह रहे सारे मेरे में है, मैं सब में हूं, अनेक में एक है, एक में अनेक है, और नवे अध्याय के शुरू में जाके मुकर ही गए, ना लोगों में हूं ना मुझ में है लोग, जरा देखना ये मेरा राजयोग। आपने गहराई नहीं जाना, ये मेरे जैसों के लिए है जो जरा गहरे उतर सकते हैं, क्योंकि भगवान से अलग अलग है ना, भगवान को रियलिटी में मेरे और आपके अंदर थोड़े, उसका उनके तो छाया पड़ रहा, उनका चित्ताभास है। शाबाश, ये बात हम समाधि में जानते हैं, समाधि मतलब जब देह मन और बुद्धि से परे हट जाते हैं और बिल्कुल हमारी मन जी बुद्धि आत्मा में तरीन हो जाता, पता लगता है ये तो सारा कुछ, ये तो महाराज जी का प्रतिबिंब है सारों के अंदर, असल तो मुझे भगवान सर्वव्यापी है, उन्हीं ने बना लिए गए, अपनी शक्ति चलाई जा रही है। इस अवस्था में भगवान ने कहा मेरी बेटी जरा देखना ये मेरा, इस श्लोक पर थोड़ा सा विचार करना, ना लोगों में हूं, बस सिर्फ एक ही बार कहा, ना लोगों में हूं ना मुझ में गए, जरा देखना ये मेरा। आपने विचार नहीं किया, पढ़ा तो जरूर आपने लेकिन गहराई में नहीं उतरे, वरना उसने तो आप रोटी भी ना खाती थी। ये मेरे शहनशाह ने क्या कहा, ये मेरे भगवान जी ने क्या कह दिया, उधर तो कहते आ रहे मैं ही सब कुछ हूं, सारे मेरे में है, मैं सब में हूं, या कहते ना भाई एक ये भी अवस्था बनती है जब जी महसूस करता है ये सब भगवान ही भगवान है, ये तो बने हैं टूट जाएंगे, लो इस पर अटूट विश्वास कर, एक ही अनेक हो गया है, अनेक में ही पूरे एक है और अनेक भगवान की ओर जा रहा है, इसलिए मेरे दाता तू ही तू, तू ही तू, अनेक कुछ नहीं है, मेरी तरह अपने मन को बना लो, बड़ी जल्दी आप भगवान के योग्य हो जाओगे, बड़ी जल्दी मेरी बेटी आप भगवान के योग्य बन जाएंगी, आपकी वृत्ति भगवान के गूढ़े रंग में रंग जाएगी, अनेक से हटना है, जिस तरह मर्जी हट जाओ, बस हमने एक के रंग में रंग जाना, अनेक थोड़ी देर का तमाशा रब ने बनाया है, और अनेक फिर एक में आ रहा है, अनेक फिर एक में आ रहा है, इसलिए अनेक की महत्ता नहीं बढ़ानी, जो चीज आ रही है उसकी महत्ता नहीं होती, महत्ता होती है जो सदा हमारे साथ रहे, वो भगवान जी है, उन्हीं की महत्ता है, अनेक की इंपॉर्टेंस नहीं है, थोड़ी देर के बाद अनेक एक में मिलने वाला है। शाबाश शाबाश शाबाश, इसलिए रब ने कहा तुझाए बना उसी को बना, शरण की स्थान तू भगवान को बना जो सदा रहने वाली है, ये चीजें सदा थोड़ी रहने वाली है, ना शरण की स्थान केवल प्रभु जी, ये अटूट विश्वास कर लो, तो क्या होगा, विश्वास जवान हो गया, जवान विश्वास का नाम भी बदल जाता है। जब अटूट विश्वास हो जाए उसका नाम श्रद्धा है। लो
शक्ल भी बदली, अकल भी बदली और नाम भी बदला। जैसे ससुराल में जाकर आपका नाम भी बदल जाता है, शायद कहीं नहीं बदलाते होंगे, पर मैं जिधर जिस इलाके का था, दलीज भी तब बहू को अंदर आने देंगे पहले पंडित जी नाम रखेंगे। सब कुछ, आपकी शक्ल भी बदल गई, अकल भी बदल गई, नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, कपड़े भी बदल गए। वहां तो बस ऐसे कमले रमले कपड़े थे, आप जरा देखो ना, जरा सा साड़ी इधर हो, जरा सा ये इधर हो, अगले टोकते हैं, बहुत ठीक बन के बैठी कर, अच्छी बन के बैठी कर, लोगों को सुंदर लगे तू, ओए मेरे रब्बा, बात बात में टोकते हैं। आप शुक्र मनाओ आपको टोकने वाला कोई नहीं, आहा ना तस ना निनान कुड़ी आप प्रधान। ये तो फिर कोई कोई होता है ना, तस ना निनान कुड़ी आप प्रधान, वरना आम पर तो सबसे भी होती है, निनाने भी सबसे। हाँ वो पहली में से बच्चे नहीं हुए, वही अपनी बहन को दोबारा लाई, इससे दो सस्से हो गई, हाय मेरे रब्बा। तो फिर आपकी तो मैं दे, आपकी तो बाहर है, आओ अपने मन को समझा ले, आओ अपने मन को सिखा ले, वो एक ही तो है। ये जब विश्वास जवान हो गया क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं फिर, श्रद्धा, अंग्रेजी में फेथ, मैं बिलीफ कह रहा हूं अंग्रेजी में, या अनशेकेबल बिलीफ, अब बन जाएगा फेथ। अब यही आपका विश्वास जब अटूट हो गया, अपना नाम बदल लेगा, अब इसको हम श्रद्धा कहेंगे। जैसे उधर कहती है ना, इस माया के तीन नाम इस माया के, आपने सब सुना है, हाँ, परसु परसा परसराम। तो इस विश्वास के तीन नाम क्या, विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा। समय हो गया, जितनी समझ आई है जरा देखना, अपनी अवस्था देखना, मेरी भी अवस्था ये बन रही है कि नहीं, मैं भी ये अवस्था बनाए जा रहा हूं या नहीं, आप ही निरीक्षण कीजिए अपना। कितनी कमाल की बातें भगवान जी प्रकट किए जा रहे हैं, मुझे और भी शक्ति दे मेरे प्यारे इष्टदेव, मैं और भी समझा सकूं, जितनी बात मैंने समझी है मैं उतनी आपको पूर्ण रूप से समझा सकूं। और आपका धर्म समझ के अपना लो, ये ना कहना, ना कहना अपनाएंगे, ये ना कहना मारे जाओगे, गा गी नारी तू स्त्री लिंग है, गी क्यों ना कहना, बस पहले नहीं पता था, आप पता लग गया, ये बात मेरी बन गई, बहुत अच्छी, बस अब ये मैंने अपना लिया, अब ये मैंने कर लिया, अब देरी नहीं करनी, कोई अपनाऊंगी अपनाएंगे ये नहीं, शब्द मेरी बात बन गई, तब इसी दिन में कल्याण हो जाएगा। आहा अति सुंदर, सुनते रहना मेरी देवियों मेरे सजनों, क्या श्रद्धा की कहानी भगवान जी की जबान। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, आओ प्रेम से बोलो, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, आज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हर बोल गई किशोला इस एहसान के सदके, अधि हर बोल गई किशोला इस एहसान के सदके, ऐ जाओ उस कृष्ण पे कुर्बा लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे कुर बहुत अच्छे, उस कृष्ण पे कुर्बा लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे
इस गीता वाणी के मित्रो ज्ञान के सदके जहो जहो ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके अज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके ऐ जहो अज हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके उस कृष्ण पे कुर्बान आ उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके इस गीता वाणी आप प्रेम से बोलो इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके बहुत बड़ा एहसान भगवान का जिन्होंने हमें गीता वाणी इस जन्म में दे दी अपनाने का शौक भी पैदा कर दिया हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर रही है इसलिए भगवान हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे
सदैव भवन्तु सुखिनः सदैव सन्तु निरामया सदैव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो। इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।